like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. Karu to sala, character dheela hai. Main karu to sala, tum hi karo tabhi character dheela hai. नवरात्रा गाइस, यस सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रा, बहुत बहुत नवरात्रे की शुभकामनाएं। और आज हम आए हैं कबीरा की एक मुराद पूरे करने, फाइनली, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी। यस, लेट्स सी वो हो पाएगी या नहीं, वो तो आपको बाद में पता लगेगा। तो अभी अंदर चलते हैं और चेक करते हैं। हाँ, एक्चुअली 3 साल हो गए इस चीज़ को, जब से हम फिनलैंड में आए थे तब से हम जो है नहीं बना पाए थे वो चीज़। मेरा बहुत मन था कि हमारा जो है मंदिर जो है उसकी स्थापना हो। बेसिकली ऐसे मंदिर तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट कुछ उसी तरह का हम कर लेंगे कि हमारी जो मूर्तियाँ जो हम इंडिया से लेके आए हुए थे, क्योंकि अभी हमने ना टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और नवरात्रों से अच्छा तो कोई आई थिंक शुभ टाइम वो हो ही नहीं सकता जिसके अंदर हम कर सकते हैं। जगह बनाना चाह रहे हैं घर पे कि जहाँ पे परमानेंटली मंदिर सेटअप हो जाए, अभी थोड़ा टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम डिजाइन कर सकते हो बेसिकली कि आपको क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी वॉल पे ट्राई कर रहा हूँ कि कैसा लगेगा मंदिर। तो खुद ही कर सकते हैं, इनकी हेल्प भी तो ले सकते हैं। हेल्प भी ले सकते हैं, बट आप खुद भी कर सकते हो डिज़ाइन अगर आपको पसंद आ रहा है तो। जैसे यहाँ पे मैंने डोर दूसरा लगाना है तो मैं कोई और नया डोर भी लगा सकता हूँ। ओह नाइस, जैसे कि वो पीछे भी तो लगा हुआ है, हमें खुद वो कस्टमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही तो चाहते हैं। राइट, लगाना पड़ेगा क्या? थोड़ा डीप होना चाहिए। डीप है वो, हमें थोड़ा कम डीप चाहिए। तो दो साइजेस में तो मिल ही जाएगा ना? हाँ, दो साइजेस में मिल जाएगा। मिली वो लेडी? नहीं, चेक करते हैं, ढूंढना पड़ेगा उसको। हाँ तो ढूंढो, पर्ची भी तो लेनी पड़ेगी। चलो, यहाँ पर ऐसे नहीं होता, आपको ना हर जगह पर टोकन लेना पड़ेगा, एंड फिर जब आपका टोकन नंबर फ्लैश होगा फिर आपसे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ये वाले शेल्फ की मैं बात कर रही थी, मैंने एक्चुअली ना ऑनलाइन ये देखे थे। ओके, बट इनसे बेटर मुझे बॉक्सेस लग रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? दोनों का अपना अपना पर्पस है, बट शेल्फ से भी काम हो जाएगा। हाँ, शेल्फ से भी काम हो जाएगा, और हमें ज्यादा कुछ वो करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, वो तोड़ भन नहीं करनी पड़ेगी, कल को छोड़ के जाना ऐसा ना हो ना फिर प्रॉब्लम हो। बड़ी ना सही सी फैसिलिटी है इनकी कि ऐसे ना पीछे ही ऐसे सर्विस स्टेशन से बने हुए हैं जहाँ पर आप कस्टमर सर्विस बेसिकली आप देख सकते हो, पूछ सकते हो एक्चुअली यहाँ इन लोगों से, और काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, शायद इनको ट्रेनिंग व्रेनिंग इस तरह से मिली होती है। तो बस वही वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। बीइंग अ वीकेंड काफ़ी ज़्यादा रश रहता है क्या पे, बट ये कि फिर उनसे पूछते हैं कि भैया हम अगर कस्टमाइज, उसे कस्टमाइज नहीं, अगर हम अपने हिसाब से चाहते हैं तो वो हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। बस वही, अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर भाई शेल्फ तो है ही है, वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, शेल्फ ही पसंद आने वाले हैं एंड के अंदर। ठीक है। And unfortunately, we are out of the door and the glass shelves. So you would have to wait for those. You could get. Yeah, I think Kabira का mood off हो गया दोबारा से. As usual, यहाँ पे हमें जो लेने आए थे वो अभी मिला नहीं है, availability नहीं है glasses की यहाँ पे. तो होपफुली शायद हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर हमें इसको दोबारा यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे रहता है, बट इट्स यहाँ पे ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत कभी जब बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी एकदम से
खुला है कोरोना तो सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं और उनके पास सामान ही खत्म हो गया। वही है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लासेस हैं और जो ग्लास के शेल्व्स हमने प्लान किए हैं, उन्होंने एक्चुअली हमें कुछ प्रिंट आउट भी दे दिए उसके, वो हम कस्टमाइज करवा रहे थे ना उनसे, हाँ। तो प्रिंट आउट दे दिए, लगभग 100 यूरोज का वो करीब का वो बोल रही है कि वो बना के देगी, हाँ। बॉक्स है प्लस शीशे भी हैं, बट शीशे वो बोल रहे हैं नहीं और हो सकता है अगले महीने आए। करेक्ट। तो फिर हम पढ़िए कि शेल्फ्स अवेलेबल है, हमें नेक्स्ट महीने आना पड़ेगा या फिर घर पे भी एक बार कर लेंगे पहले, मैं नवरात्रों में लेना चाहती हूँ भाई। चलो एक बार घर पे चेक करते हैं। ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि पहले तो आप सामान खरीदो और फिर यहीं से खाना खा लो, सारा कुछ यहीं पे ही कर लो, आपको कुछ बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। और हम जो आप जहाँ पे अभी खाना खाने वाले हैं, एक्चुअली के दो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर लंच मिलता है, मतलब एक बूफे लंच काइंड ऑफ होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ऑफकोर्स इंडियन लंच, तो काफ़ी सारी नॉर्डिक चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, एक एक करके लंच लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एक बच्चे को देखेगा और बंदा लेकर आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम पहले जाओ लेके आओ, तुम पहले ले आओ। चल मैं ले आती, नहीं पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, थोड़ी हो सकता है, जाओ चलो लेकर, ठीक है मैं लेके आती हूँ, तुम देखो। ऐसे ना यहाँ पे पहले ऐसे ट्रॉली सी बनी हुई है, ये उठानी पड़ेगी, ये देखो जी मैंने पहले मक्खन लगाया उसके ऊपर आलू लगा दिए, मेरे को तो ऐसे देसी खाने में ही मज़ा आता है, और ये मैंने इसको सैंडविच बना लिया। अरे ब्रेड बहुत अलग तरह की है, ये राई ब्रेड होती है, मेड ऑफ राई, एक कलर का कोई फ्लावर होता है उससे बनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टोटल का मैंने और तुमने क्या सेम ही पे किया है क्या? मैंने 4.99 पे किया है। हाँ मैंने भी 4.99 पे किया है, तो बेसिकली यही है, आपको वहाँ जाके सामान उठाना है एंड फिर जो है उसके बाद जो हर एक का अपना अपना प्राइस है, जैसे बॉल्स 8 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, वो सबका लेना है, और कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो, कॉफ़ी भी ले सकते हो, वहाँ अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो आप कितनी भी उठा सकते हो, कितनी कोई पी लेगा। अगर आप मेंबर हैं यहाँ पे तो आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलती है। अच्छा ओके, तो हम फैमिली मेंबर्स हैं जैसे, हाँ तो हमें कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी। जब हम फ्रांस गए थे तो कुछ वेज मिला ही नहीं थी हमें ऑप्शंस, बट अब तो यहाँ पे तो काफी सारी, जहाँ पे भी नॉन वेज है वहाँ पे वेज भी मिलेगा, यहाँ आपको वेजिटेरियन खाना आराम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट वो अलग होगा, यू कैन कंपेयर इट विद इंडिया, छोले भटूरे और राजमा चावल मिलेंगे, मगर वो इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे ना इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। ये क्या ले लिया? थोड़ा सा सामान जो इक्का दुक्का प्लेटें रह गई है ना, टूट गई हैं एक्चुअली। बस हाँ, कुछ ना कुछ तो तुम्हें पसंद आ ही जाता है। हाँ तो आई गया मैं, हाँ तो ऐसे ही हालत होती है, मैंने पोने भी ले लिए। ये तो लेना ही नहीं था हमने, वो ठीक है चलो, बट फिर भी अब ये घर घर की कहानी है, इट्स ओके, जब भी आओ कुछ ना कुछ तो, पता है एक्स्ट्रा लेडीज को पता होता है क्या होता है घर में।
लेडीज को नहीं पता, आईकिया वालों को पता है कि लेडीज को क्या पसंद है और आईकिया का बिजनेस कैसे चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम, ये सामान चाहिए, टूट गई है प्लेटें यार सच्ची में, चलो तुम। मुझे नहीं लगता टूटी है, बट इसको लेनी होती है हमेशा। अरे चलो ना यार। सही बेटा, ये वाला ऐसा है। हाँ, ये पूरे के पूरे सेट ऑफ बॉक्सेस हैं। हाँ, तुम सेट करोगे और मैं खुश हो जाऊंगी कि भैया मेरी जो दाले वाले हैं वो अच्छे से अब सेट हो गई हैं। सब दो दो हैं। हाँ ठीक है, ले लो ये। कितने का है? ट्राई करके देखते हैं। कितने का है? 4 यूरो का है। ठीक है ले लो। अब नहीं वही बात होगी, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला, तुम ही करो तभी कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो बिल्कुल ढीला नहीं। हेलो, ये क्या बात है, मतलब तुम खुद लो तो सही है, मैं लूँ तो प्रॉब्लम। हाँ, जो लेने आए थे वो तो हम ले नहीं पाए, बट यहाँ पे क्या है कि आपको खुद ही सामान पिक करना है एंड में। आप ऊपर देख लो, अपना लिख के रख लो कि आपको क्या क्या चाहिए। जो भी बड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पे गोडाउन टाइप सा बना हुआ है, उन पे नंबर लगे हुए हैं, आपको वो नंबर सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके उठा लेना है। तो बस यही है, व्लॉग को भी करते हैं वाइंड अप। वाइंड अप, हाँ। बहुत ज़्यादा थकावट होगी, 4-5 घंटे हो गए, पता ही नहीं लगा यहाँ पर। खाना खुना भी हमने खा लिया, बट ये कि पेट अभी भी भरा ही हुआ है। अच्छा था। बस चलिए जी, यही था आज का व्लॉग। मंदिर तो हम ले नहीं पाए, मंदिर नेक्स्ट टाइम अगेन। एक दिन और आना पड़ेगा और देखते हैं, बट ग्लासेस तो तब भी नहीं मिलेंगे, बट ये देखते हैं क्या रहेगा। जब मंदिर अपना सेटअप करेंगे तो जी आपको भी फिर से दिखाएंगे। गाइज़, अगर वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।